उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के सपा नेता पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि योगी सरकार के 4.5 साल रहा जिसमें पूरे प्रदेश भर में सिर्फ जंगल राज हो गया है। इस भाजपा की योगी सरकार में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कितने लोग मारे गए हैं, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, यूपी में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। अयोध्या में हो रहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को चुड़ाने जैसा है। पटेल समाज, निषाद समाज, विश्वकर्मा समाज, राजभर समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्या हुई। योगी सरकार में कई लोग मारे गए और अपमानित किए गए। पवन पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सीएम योगी जनता को अपनी 4.5 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। जनता जनार्दन देवतुल्य, जनता जनार्दन ने मन बना लिया कि 2022 में जुल्मी अत्याचारी सरकार को, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार, फर्जी एनकाउंटर करने वाली सरकार, फर्जी मुकदमों में जेल भेजने वाली सरकार, अपमानित करने वाली सरकार, छात्रों नौजवानों के पीठ पर लाठी बरसाने वाली सरकार, रोजगार की बजाय लाठी और मुकदमे देने वाली सरकार को हटाएंगे और श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ये संकल्प उत्तर प्रदेश की महान जनता ले चुकी है। अयोध्या फैजाबाद सहित सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भर गए। केवल 2 दिन की बरसात, अब इससे ज्यादा पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम की नहीं खुल सकती। ना इन्होंने नालों की सफाई कराई, ना पानी निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। केवल बड़े बड़े विज्ञापन भाजपा सरकार स्मार्ट सिटी के लगवाती है। विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई, गरीबों के मकान मिट्टी के गिर गए, दब गए, कई लोग मर गए। कोई जिले का अधिकारी उनके दरवाजे पे झांकने नहीं गया, कोई उनकी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इससे ज्यादा बद इंतजामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सकती। 3 दिन से लाइट नहीं है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी के लिए परेशान हैं, लाइट के होना होने के कारण गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन किसी बिजली विभाग के अधिकारी का फोन नहीं उठ रहा। ये स्थिति है, ये सरकार का राज है, भाजपा का। भाजपा के राज में अधिकारी बेलगाम हैं, जनता त्रस्त है, भाजपा सरकार मस्त है, लेकिन ये त्रस्त जनता मन बना ली है कि ऐसी सरकार जहां पर अधिकारी जंगल राज बनाए हों, पूरा जंगल राज हो गया है नैतिकता के अधिकार पर, तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई सुनता ही नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जनता मन बना चुकी है, ये गरीब जनता, किसान जनता, दलित जनता, पिछड़ी जनता, अगली जनता, मुसलमान, सारे बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया कि 2022 में जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाएंगे और श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। झूठ बोलने की एजेंसी है, इसका सिर्फ एक लाइन में उत्तर है कि सिर्फ झूठ बोलते हैं। जो परंपरा झूठ बोलने की केंद्र से चली आ रही, वही प्रदेश तक चल रही है। और जाकर पहले देखें, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी चालू नहीं हुआ और कई जगह फट गया। पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दलाली की भेंट चढ़ गया। पहले मुख्यमंत्री जी उसकी जांच करवाएं और कार्रवाई करें। पूरा पूर्वांचल, लोगों ने, जो लोग उसे चले हैं का दिन बता रहा है, इतना खराब एक्सप्रेस वे नहीं देखा। सड़क बनी है कि एक्सप्रेस वे बना, पहले इसकी जांच करा लें।